हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज 2.0। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं रोस्ट स्टार 666। भाई डेवल का नंबर है ये 666। निब्बा निब्बी किस वीडियो, निब्बा निब्बी लव वीडियो, निब्बा निब्बी रोस्ट वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इसमें देखने वाले हैं कुछ हम नन्ने मुन्ने प्यारे प्यारे लव बर्ड्स को, है ना, जो छोटी सी उम्र में पढ़ाई करने की जगह मौज मस्ती करने की जगह किसिंग किसिंग खेल रहे हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये क्या है भाई? तो भैया स्वागत है आज की इस न्यू रोस्ट वीडियो में। आज हम करने वाले इंस्टाग्राम के निब्बी निब्बू को रोस्ट। तो चलिए तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सारी, ऊपर पंखा चलता है और इंस्टाग्राम रील्स पे निब्बा निब्बी चलता है। आज बहुत हार्ड तू लटका के झटका के चलती है, भटका के ध्यान मेरा तेरे इस चलने पे, मैंने कुछ लिखा है पब्लिक को। ये लिखा है सूरत आंखों में मस्ती दूरी कली शर्माए। हाय हाय, टू ब्यूटीफुल कपल ट्रायल लिपसिंग, और अगर इनके पापा आगे पीछे से तो मार मार के फुला देंगे इनकी हिपसिंग, और मुन्ना भैया दे रहे हैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ट्रिक्सिंग। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। अरे नहीं मुन्ना भैया, IAS भी नहीं बन सकते क्योंकि इनको ना मैथ ना आए ना इंग्लिश भी आए। जाए जरा सर को बुलाए, न जाने क्या हम माइनस हो गया। A few moments later. एक तो ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आया, अगर इस वीडियो में स्लो मो हटा दिया ना साला, कुछ समझ में नहीं आएगी कब क्या कर दिया। अगर बैंच उसको जाना ही था तो ये हाथ वाला बहाना क्यों बनाया। सही खेल गया बैंच। अरे ले ले मेरे बाबू, लॉलीपॉप चूसने की उम्र में ये लोग देखो क्या कर रहे हैं। भाई लोग, हम जब इतने छोटे हुआ करते थे तो बस लड़की को देख कर ही खुश हो जाया करते, और पूछते थे भाई देख रही है क्या, नहीं देख रही, देख रही है क्या, नहीं देख रही। साली पर आज तक कोई देखती नहीं थी। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ही। मतलब कुछ भी। तो भाई लोग, अभी तक आपने बिल्कुल ही छोटी निब्बा निब्बी लव स्टोरी देखी, अब मैं आपको दिखाने वाला लॉन्ग निब्बा निब्बा स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे हमारे निब्बा निब्बी मिले इनके वीडियो देख के। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो गाइस, आज हमने व्लॉग बना दिया है। बहुत बहुत मेहरबानी दीदी जो आपने ये वीडियो बनाया, हम भी जानना चाहते हैं ये सब कैसे होया, जो निब्बा निब्बी कैसे हो गया। फर्स्ट टाइम रिवर फ्रंट पे मिले थे हम दोनों, मैं और मेरे दोस्तों भी घूमने गए थे। अच्छा, हमको सिखा रही है। और मैं भी वहाँ ही थी, जैसे कि इन्होंने हम दोनों, मैं और मेरी फ्रेंड्स। अरे कहना क्या चाहते हो, ये लव स्टोरी मुझे तो लग रहा है जैसे साइंस वाले टीचर ने मैथ के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे कि जवाब दे रही हाँ मैं चाहती। ये बड़ी अच्छी बात कही। हम घूमने गए थे और ये भी उनके फ्रेंड्स के साथ घूमने आए थे। अरे समझ गए भैया, घूमने गए थे आगे, सुबह पनवेल निकलना है। अरे बसकर मेरे भाई, कितना घूमेगा, ये स्क्रिप्ट क्या सीआईडी वालों ने लिखी, हम यहाँ गए थे वहाँ गए थे, खत्म ही होने की नहीं जान रही है ये। रुको जरा, सबर करो। मैंने उसको देखा थोड़ी देर बाद और मेरी नजर उस पे गई, तो मेरे सहवाग एंड विद्धि, है ना। मैंने मेरे फ्रेंड्स को बताया कि मेरे को वो लड़की पसंद है, बस देखते ही वो लड़की पसंद है, अच्छी लड़की है। मतलब वाह, बड़े अच्छे फ्रेंड है तेरे। साला मैं अपने फ्रेंड को बता दूं ना कि मेरे को ये लड़की पसंद है, तो साला मेरे से पहले जाके प्रपोज मार देंगे और कहेंगे, आके कहेंगे देख मत लियो भाभी है तेरी। अच्छी है। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स पूरा दिन उसके पीछे घूम रहे थे। और वाह भैया, इसे स्टॉप करना कहते हैं और ये कानूनन जुर्म है एक्चुअली। मैं नहीं देख रही थी, खत्म। वैसे तो इनकी शादी भी एक जुर्म है, बाल विवाह जुर्म है। वाह, ओए होए लोंडे, तिरछी नजर से देख रही थी। फ्रेंड्स, मैं भी एक बार ऐसे इसी तरह से घूमने गया था, मैं जापानीज में, मैंने एक लड़की को देखा, मुझे लग रहा कि वो भी मुझे देख रही। साला थोड़ी देर बाद जब वो मेरे पास आई तो पता चला कि वो बगल वाले मोमोस के ठेले को देख रही थी। साला पोपट हो गया। तो दोस्तों, इसके आगे की कहानी शॉर्ट में मैं बताता हूँ। इनका नंबर एक्सचेंज हो गया, फिर इनकी रात रात बर्बादी होने लगी, फिर इनका बाबू सोना जादू टोना धनिया पुदीना होने लग गया, और उसके बाद लब्बू हो गया। ओ माय गॉड, टू
few moments later. फिर क्या हुआ, फिर इन दोनों ने अपने घर पे मम्मी पापा को बताया और उसके बाद इनको थोड़ी मोड़ी मार पड़ी और उसके बाद इनकी हैप्पी एंडिंग हुई और अब ये देखो इंस्टाग्राम रील्स बना रहे हैं। भाई कसम से दोनों कितने छोटे हैं। हाँ तो भैया अगर मालूम है तो इंस्टाग्राम रील्स पे काहे हो गए, जाके शौचालय पे हो ना, यहाँ पे इंस्टाग्राम रील्स पे हक्के हमारा दिमाग खराब कर रहे हो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो भैया ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर बिल्कुल धाकड़ वीडियो के साथ। ओके यार यहाँ पे ये वीडियो खत्म है। अच्छा मुझे ये छोटे छोटे बच्चों को एज अ कपल देख कर बस एक ही फीलिंग आती है, मतलब साथ में इनका वो नहीं चलता होगा कि हाँ तू चोर मैं सिपाही खेलते हैं या ऊंचा नीचा ग्लास खेलते, चलो ना चोर पुलिस खेलते। अबे इतने छोटे बच्चे यार, ये हद हो गई। और अब तो भाई रिद्धि जी प्रेग्नेंट भी हैं एंड शायद बेबी हो गया या नहीं हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये प्रेग्नेंट भी हो गई इतनी जल्दी और हैवी रिस्क। सोचो इतनी छोटी एज में शी इज़ प्रेग्नेंट एंड ना वो दो नन्ही जान के साथ अब एक और नन्ही सी जान। ओ भैया लड़के की मूछे तक नहीं आई हैं, सोच रहे हो लड़के की अभी तक मूछे तक नहीं आई हैं, भाई हद हो गई। और ये भाई साहब ब्याह और बच्चे करके बैठे हैं, हद। ओ देवा उठा ले रे देवा, मेरे को नहीं किसी को मत उठाओ लेकिन इन्हें बुद्धि दे दो। हाँ और हाँ जितने भी ये छोटे छोटे इस टाइप के बच्चे, अगर 14-15 साल के लोग अगर मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, भैया और बिटिया दोनों प्लीज़ अपने करियर पे ध्यान दे लो, ठीक है, क्योंकि वो बाद में आपके काम आएगा। आप बहुत बाद में ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि हाँ यार पहले पढ़ाई कर ली होती तो ज़्यादा अच्छा होता है ना। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।